देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर की बेटी रश्मि बीपीएससी परीक्षा में चयनित होकर आरडीओ ऑफिसर बनी। आज भागलपुर के सवर की रहने वाली एक शिक्षिका की बेटी रश्मि भारती ने बीपीएससी परीक्षा में 797 रैंक लाकर चयनित होकर आरडीओ ऑफिसर बनी। वहीं अब बीपीएससी के बाद यूपीएससी की भी तैयारी करने की इच्छा रख रही है, जिसको लेकर आज जिला परिषद सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद सभागार में बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों और भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने रश्मि भारती को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। अजीत शर्मा ने कहा कि यह गौरव की बात है और सभी बच्चे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। वहीं रश्मि ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटा आगे बढ़ता है तो सिर्फ एक घर शिक्षित होता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी शिक्षित होकर आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। मैं प्रदेश सचिव बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ शुक्रिया जी के नियोजित शिक्षक जो कि मैं जान रहा हूँ उनके लिए मैं भविष्य की शुभकामना करता हूँ। और लोगों को क्या कहने चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने तैयारी के दौरान बहुत तो मतलब बहुत मेहनत की है। 6 से 7 घंटे में कंटिन्यूसली पढ़ाई किया है और मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। और आगे मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को खूब पढ़ाएं। बेटों को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर पढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक लड़का पढ़ता है तो बस लड़का पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। नहीं, बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सिर्फ अभी नहीं, पूरा भागलपुर और बिहार इस पर गौरवान्वित रश्मि जी पे कर रहा है। और मैं चाहूँगा जिस तरह से रश्मि जी ने मेहनत करके आगे बढ़ा, सभी बच्चे बच्चियाँ इनसे सीख लें और मेहनत करके, बोलो बीपीएससी हो यूपीएससी हो, हम तो चाहेंगे यूपीएससी में ये फिर से बैठे कि पढ़ने में तेज है, दूसरों भी कम्पीट करें, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं है, इन्होंने एक रास्ता दिखाया है। क्योंकि नियोजित शिक्षक की ये बच्ची है, तो नियोजित शिक्षक बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो चाहूँगा सभी बच्चों को, जिस तरह से आपने रश्मि के लिए ध्यान दिया है, सभी बच्चे बच्चियों को सभी शिक्षक ध्यान दें और बिहार का और देश का नाम रोशन करें। और जो हमारे शिक्षक संघ के एक शिक्षिका की बेटी चयनित हुई है बीपीएससी में, बहुत गर्व की बात है। हम शुभकामना देते हैं कि दिन प्रतिदिन इसी तरह शिक्षक की बेटी आगे बढ़ते रहे और बीपीएससी का सफलता पाते रहे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं? यहाँ की बच्ची को यही हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह इनसे मनोबल सीखिए, ताकि आप भी अपने आप में एक सीख बना के रखिए कि हम एक शिक्षक की बेटी, शिक्षिका की बेटी यदि बीपीएससी का कंप्लीट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये मनो